हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुमार संभव आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए टाइमिंग के साथ, सुबह 7 बजे आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, हमने कल ही घोषणा करी थी इसकी कि अब आप लोगों के ही डिमांड के ऊपर कि इसका टाइम जो है करंट अफेयर्स द वेकअप शो का टाइम जो है सुबह 7 बजे कर दिया जाएगा, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके। तो यहाँ पर गौर करिएगा और सभी के अंदर ये स्प्रेड कर दीजिए मैसेज कि करंट अफेयर्स द वेकअप शो जो है अब सुबह 7 बजे आता है, मॉर्निंग 7 o'clock। तो मैं सभी का अपने अंदाज में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स जो है हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। और देखिए, हमारा जो एक सेगमेंट है, जितने भी नए स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि करंट अफेयर्स द वेकअप शो किस तरह से काम करता है। तो सिंपल सी टेक्निक के साथ हम आगे जाते हैं, मतलब यहाँ पर हम सभी खबरों की तरफ गौर फरमाते हैं, सभी खबरों की तहकीकात करते हैं बहुत डिटेल में जाकर, जैसे नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स की खबरें हो सकती है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बातें हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेज हो सकता है, मतलब ऐसी तमाम करंट अफेयर्स की न्यूज जो आने वाले एग्जाम का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकती हैं, क्वेश्चन के रूप में आ सकती हैं। और अंत में क्या होता है, तो अंत में हम आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी अटेंड करते हैं, मतलब प्रश्न और उत्तर का भी दौर चलता है, जिससे आपका ये वाला सेशन जो है ना वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए इस सफर के ऊपर, जहां पर हम आपके समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे और बढ़ चलेंगे अपने सेगमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम चलेंगे भारत की ताजा खबरों की तरफ, तो यहां पे नेशनल न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कितने फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बढ़िया, तो यहां पे जीतू दोरा जी, एक जो चीज है, आप अपना हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से ऑल ओके का मैसेज आ रहा है कि हमारी तरफ से, हमारे एंड से कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ऑल आर ओके, मतलब सब कुछ ओके है और यहां पर आपकी साउंड भी ठीक आ रही है। तो मैं आगे बढ़ता हूं इस सफर की तरफ। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जैक्टली आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, जितने रेस्ट स्टूडेंट्स हैं, जीतू दोरा जी आप रिफ्रेश कर लीजिए इसको एक बार और देखते हैं कि आपके साउंड की प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई। चलिए एग्जैक्टली, तो टेक्निकल टीम से दरख्वास्त है कि साउंड को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे कंफर्म एक बार कर दें और मैं आपको सेगमेंट्स की तरफ ले जाऊं और राष्ट्रीय न्यूज की तरफ, नेशनल न्यूज, भारत की ताजा खबरों की तरफ ले जाऊं। चलिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स के मैसेज आने शुरू हो गए, देन ऑल इज ओके। तो हम बढ़ते हैं आगे और अपने नेशनल न्यूज की तरफ, भारत की ताजा खबरों की तरफ। और देखिए फर्स्ट न्यूज क्या है, तो यूनियन बजट 2018-19 का जो यूनियन बजट अरुण जेटली जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें उन्होंने टारगेट रखा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उसको 2020 तक का टारगेट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक टारगेट रखा था कि 5 करोड़ भारतीयों को और बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है, 8 करोड़ कर दिया गया है। तो ये एक नया टारगेट, जहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपने नए टारगेट के साथ कहां पर लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी और कैपिटल के अंदर। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसके आयोजन का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है कि बीपीएल फैमिली, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे फैमिली की एक वुमेन को एक एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और यहां पर उनको एक ट्रेडिशनल ईंधन से जो नुकसान होता था, सांसों की प्रॉब्लम और तमाम शारीरिक प्रॉब्लम जो होती थी उसको दूर करते हुए एलपीजी कनेक्शन की तरफ ले गए, एक बेटर एनर्जी की तरफ लेकर गए उनको। तो यहां पर तस्वीर दिख रही है आपको यूनियन पेट्रोलियम और मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की, जिन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसकी शुरुआत करी, जिसका टारगेट क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम इन दिल्ली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू एलपीजी कनेक्शंस एंड सिलेंडर्स टू बेनिफिशियरीज। तो जैसा मैंने बताया बीपीएल फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली को एक एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और उनको ये लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ड्यूरिंग द इवेंट अबाउट 400 एलपीजी कनेक्शंस वर हैंडेड ओवर टू फैमिलीज बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। टारगेट अंडर दिस स्कीम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 5 करोड़ कनेक्शन टू 8 करोड़ कनेक्शन बाय
2020. तो देखिए 2020 तक टारगेट क्या है कि इनिशियल जो टारगेट था 5 करोड़ फैमिलीज को हमने एलपीजी कनेक्शन देना है बीपीएल फैमिलीज को, अब वो बढ़कर कितना कर दिया गया है 8 करोड़ 8 करोड़, और कब तक का टाइम दिया गया है 2020. तो दीज आर दी कैची पॉइंट्स जो पेपर के अंदर पूछ सकते हैं, तो इन पॉइंट्स की तरफ गौर फरमाइएगा. और बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, और एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जो साइंस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और तमाम एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एलपीजी के अंदर कौन सी दो गैसेस होती हैं, एलपीजी कंटेन्स विच टू गैसेस. तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप यहां पर, और आपको बताना है कि एलपीजी के अंदर कौन सी दो गैसेस हैं. और हम इसकी तरफ चलते हैं, स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसे मई 2016 में लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा. यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन विद मॉनिटरी असिस्टेंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स. तो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे वुमेन को, मतलब एक फैमिली में एक वुमेन को ये कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा. तो यहां पर दिल्ली में ये आयोजित हुआ और 400 एलपीजी कनेक्शंस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बांटे गए इन बीपीएल फैमिलीज के अंदर. तो अगली खबर की तरफ चलते हैं. त्रिपुरा सीएम लॉन्चेस स्टेट कॉम्पोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. तो त्रिपुरा सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के राज्य घटक की शुरुआत करी, यहां पर स्टेट कंपोनेंट की शुरुआत करी. ऐसा क्यों हुआ, देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसको अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करें तो कौशल विकास का मतलब है स्किल डेवलपमेंट. तो प्रधानमंत्री यूनियन गवर्नमेंट का एक टारगेट है और उस टारगेट के अंदर उनका एक प्रयोग ये है कि पहले हम अपने यूथ को, देखिए पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यूथ अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर उनकी एज 18 साल से 35 वर्ष मानी जाए, 18 इयर्स टू 35 इयर्स को अगर हम यूथ मानते हैं तो उन यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है पूरे विश्व के अंदर भारत की. तो भारत के उस यूथ की अगर बात करें तो उसमें एक चिंताजनक बात यह है कि वो यूथ जो है अनस्किल्ड है, मतलब उतने दक्ष नहीं है, काम नहीं आता है, 10th 12th या ग्रेजुएट ड्रॉप आउट्स हैं. तो उनको किस तरह से उनका कौशल, उनका स्किल जो है वो विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए कि वो जॉब पा सके किसी भी सेक्टर के अंदर. तो यहां पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो है इसको सक्सेसफुली रन कर रही है. और त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य बना है जिसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अपना स्टेट कंपोनेंट माना, राज्य घटक माना, और उसको अपने स्तर पर इसकी शुरुआत भी करेगा. तो त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव. तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए कारण है, जब फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम संघीय सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार में अलग मतलब आप कह सकते हैं पार्टी की सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार में अलग पार्टी की सरकार हो सकती है, जो लोकतंत्र का एक बेहतर नमूना जरूर हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यही लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक भी होता है, जहां पर केंद्र सरकार कई बार राज्य सरकार के साथ आप कह सकते हैं पार्शियलिटी कर जाती है. और उसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य सरकार भी कई बार केंद्र सरकार के योजनाओं को लागू नहीं कर पाते. लेकिन अच्छी बात यह हुई कि त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र सरकार भी बीजेपी रन सरकार. तो यहां पर चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, जो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, तो उन्होंने क्या किया, लॉन्च द स्टेट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन अगरतला. अगरतला में उन्होंने कौशल विकास योजना को प्रदर्शित किया. ही अश्योर्ड दैट द टारगेट टू गिव ट्रेनिंग टू मोर देन 1,16,000 यूथ बाय 2020. तो 1,16,000 से ज्यादा जो है ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को. और त्रिपुरा इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू इंप्लीमेंट द स्टेट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट. तो यहां पर जैसा मैंने बताया कि पूर्वी राज्यों की तरफ देखें तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना है, त्रिपुरा बना है. और त्रिपुरा की स्टेटिक जीके की तरफ चले तो त्रिपुरा की कैपिटल इज अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर का नाम तथागत रॉय. तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपके कमेंट बॉक्स की तरफ चलता हूं. लेकिन हाँ, आपको गौर क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि आप आज का जो नया टाइम शुरू हुआ है इस लाइव सेशन को, लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को जानकारी हो सके। जो 8 बजे भी जुड़ते थे हमारे साथ, काफी स्टूडेंट्स 8 बजे जुड़ते थे, तो उनको भी जानकारी पहुंचा दी जाए कि अब जो सर हैं करंट अफेयर्स द वेकअप शो लेकर कितने बजे आते हैं। तो सुबह 7 बजे आते हैं, मॉर्निंग 7 o'clock आते हैं। तो जल्दी से इस लाइव सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को जानकारी हो सके। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एलपीजी के अंदर कौन सी दो गैसेस होती हैं, तो यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो काफी स्टूडेंट्स ने यहां पर राइट आंसर दिया है और कई स्टूडेंट्स मीथेन बोल रहे हैं। तो देखिए, मीथेन इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो वेरी गुड टू ऑल यू स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोपेन एंड ब्यूटेन आंसर दिया है। तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज द राइट आंसर, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज द राइट आंसर। बट आपको यहां पर क्या देखना है कि ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंटेनिंग प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस, तो इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं और यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि आप इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के बाद हम क्विज की तरफ भी जाएंगे, जहां पर इसी सेशन से जुड़ा हुआ, मतलब आज का सेशन आपको ध्यान से सुनना है तो आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी होगा, जहां पर क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और आज का सेशन आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। असम्स स्प्रिंग फेस्टिवल बिगिंस इन मानस पार्क, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क जो है वहां पर वसंत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो मानस नेशनल पार्क में असम का वसंत महोत्सव शुरू हुआ, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क जो है इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, और वहां पर असम का स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है, असम का वसंत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो टू डे असम स्प्रिंग फेस्टिवल began at the Manas National Park, where visitors will get to experience the state's local food, music, handloom and handicrafts. तो असम के इस वसंत महोत्सव के अंदर, स्प्रिंग फेस्टिवल के अंदर, वहां के लोकल चीजों का लुत्फ उठा सकेंगे वहां के लोग और जो घूमने के लिए पर्यटक और टूरिस्ट आएंगे। और एम ऑफ द इवेंट इज टू प्रमोट द लोकल फूड एंड कल्चर ऑफ द फ्रिंज विलेजर्स। इट इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड थ्रू फूड, हैंडलूम एंड कल्चरल पार्क। तो यहां पर एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक हम लाइवलीहुड, आजीविका की बात कर सकते हैं, जहां पर असम के इन चीजों के द्वारा भी लोग जो है कमाई का साधन जो है उत्पन्न कर सकते हैं, जिसको लेकर स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया गया असम के अंदर। और वो कहां मनाया गया? मानस नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो असम की स्टेटिक जीके जरूर बताइए मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में। असम की कैपिटल, बहुत बच्चे गलती करते हैं, असम की कैपिटल गुवाहाटी बता देते हैं। असम की सिटी, बहुत फेमस सिटी है गुवाहाटी, बट असम की कैपिटल नहीं है गुवाहाटी। तो आप असम का एक क्विक फैक्ट्स बता दीजिए, कैपिटल क्या है, उनके सीएम का नाम क्या है और उनके गवर्नर का नाम क्या है। और इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क के अलावा एक और नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है, उनका भी नाम बताइएगा। और ये देखिए स्टैटिक जीके, मानस नेशनल पार्क इज आल्सो अ टाइगर एंड राइनो रिजर्व व्हिच कवर्स 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो देखिए, मानस नेशनल पार्क राइनोसोरस गैंडे के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए फेमस है, जो असम के 5 जिलों को कवर करता है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन आपको क्या बताना है असम के क्विक फैक्ट्स के बारे में जल्दी से बताइएगा, और इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा भी शेयर करिएगा। अगर आपको आज का शो अच्छा लग रहा है रोज की तरह, तो आपको करना क्या है, लाइक का बटन दबाना है और लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो अगली खबर की तरफ चलेंगे, इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ चलेंगे। आप अपने कमेंट्स जो है चैट बॉक्स में डालते रहिए, क्वायरीज भी डालते रहिए, हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। तो यहां पर एग्जैक्टली काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस, और यहां पर दिसपुर, एग्जैक्टली मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि गुवाहाटी बहुत ही फेमस शहर है लेकिन कैपिटल नहीं है। तो असम की कैपिटल इज दिसपुर, गवर्नर का नाम एग्जैक्टली मामूनी खुंगरी जी, पलक बांसल, जुगराज संधु, दीपक पाल, आप सभी सही हैं यहां पर। और असम की कैपिटल दिसपुर, असम के अंदर एक और फेमस नेशनल पार्क इज काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर का नाम प्रोफेसर जगदीश मुखी।
तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स रिलेटेड टू असम, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसी तरह से जुड़े रहिए। और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ चलेंगे। लेकिन बार बार कह रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज बार बार कहने की क्यों जरूरत हो रही है, कि आप ही स्टूडेंट्स ने 8 बजे के शो को बहुत हिट बना दिया था, और आप ही स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइव सेशन को शेयर करके इस 7 बजे के शो को भी हिट करिएगा। तो यहां पर जरूरत क्या है, तो तंग करिए आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स को और व्हाट्सएप फ्रेंड्स को, जो आपको गुड मॉर्निंग के मैसेजेस रोज भेज भेज के तंग करते हैं, तो उनको आज आप ये लाइव स्ट्रीम भेज के तंग करिए और बोलिए कि अच्छी चीज के साथ जुड़िए और यहां पे जीके की बात को सीखिए। तो इसी हंसी मजाक के साथ हम इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा न्यूज है। देखिए, इंडिया और नेपाल, हमने कल के एपिसोड में किया था कि इंडिया और नेपाल जो है, उनके नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो है वो भारत के दौरे पे आए हैं। तो यहां पर आज इंडिया और नेपाल ने क्या किया, तो एक अग्रीमेंट साइन किया है टू स्ट्रेंथन बायलेटरल रिलेशन इन की एरियाज। तो कुछ प्रमुख क्षेत्रों के अंदर अपने द्विपक्षीय रिश्ते को सुधारने के लिए भारत और नेपाल ने कुछ एग्रीमेंट्स को साइन किया है। तो भारत और नेपाल ने प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जताई सहमति और अग्रीमेंट यहां पर हुए हैं, तो इसको जरूर जानते हैं। इंडिया और नेपाल हैव अग्रीड टू फर्दर स्ट्रेंथन बायलेटरल रिलेशंस इन की एरियाज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। तो वो एरियाज कौन कौन से जहां पर सहमति जताई है, जहां पर संबंध बनाने को इंपॉर्टेंट बात कही है, जहां पर अग्रीमेंट्स की बात करी है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी। देखिए, इंडिया और नेपाल काफी अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है, और जैसा कि आपको पता है कि नेपाल जाने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो क्राइम का ग्राफ, क्राइम का रेट बढ़ने की बहुत संभावना, तो बॉर्डर सिक्योरिटी का होना जरूरी फर्स्ट ऑफ ऑल। देन कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन का होना भी बहुत अच्छा जरूरी है यहां पर, और कनेक्शन होगा तो ही ट्रेड और एग्रीकल्चर की बात की जा सकती है। तो ये एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की बात करी। द टू कंट्रीज अग्रीड टू डेवलप इनलैंड वाटरवेज फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो इनलैंड वाटरवेज मतलब आपके कंट्री के अंदर ही जो पानी का जो रास्ता है, जैसे कोसी रिवर नेपाल से निकलती है, बिहार की तरफ आती है, और आप कह सकते हैं कि जो एक इंपॉर्टेंट कोसी रिवर है वो इनलैंड वाटरवे का एक प्रमुख साधन बन सकता है। तो भारत और नेपाल के बीच में इनलैंड वाटरवे को लेकर भी एक समझौता हुआ है। देन एमिंग टू एक्सपैंड क्रॉस बॉर्डर रेल लिंकेजेस, द टू साइड्स हैव आल्सो डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइन। तो एक रेल लाइन जो है वो शुरू करने की भी एक कवायद जो है, और वो एक बातचीत जो है उसको भी स्टार्ट किया है। विद इंडियाज फाइनेंशियल सपोर्ट द रेल लाइन विल कनेक्ट द बॉर्डर सिटी ऑफ रक्सौल इन इंडिया टू काठमांडू इन नेपाल। तो यहां पे हमारे इंडिया का रक्सौल और काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल, उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा ये रेल लिंकेज विद दी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी, और इन इन एरियाज के अंदर भारत और नेपाल के बीच में सहमति बनी है, जिससे हमारा द्विपक्षीय संबंध जो है और मजबूत बनेगा। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ नेपाली पीएम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जो भारत के दौरे पे आए थे और उन्होंने ये अग्रीमेंट्स यहां पर आकर किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। तो स्टैटिक जीके रिलेटेड टू नेपाल, नेपाल के रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके, दैट इज नेपाल की कैपिटल इज काठमांडू, नेपाल की कैपिटल इज काठमांडू, नेपाल की करेंसी इज नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इज विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और अगर हम नेपाल के संसद की बात करें, जैसे हमारे पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, और नेपाल के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, नेशनल पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। तो अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे। और प्रेसिडेंट थ्री नेशन विजिट, देखिए हमारे राष्ट्रपति 3 देशों के दौरे पर गए हैं, और वो 3 देश कहां के देश है, अफ्रीका के देश है। देखिए, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, और उस डार्क कॉन्टिनेंट के 3 देशों के दौरे पर प्रधान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 3 देशों के दौरे पर गए हैं। और वो 3 देश कौन से हैं, इक्विटोरियल गिनिया, जाम्बिया और स्वाजीलैंड। देखिए, इक्विटोरियल गिनिया, स्वाजीलैंड और जाम्बिया, तो इन 3 देशों के दौरे पे गए। लेकिन अभी फर्स्ट कहां पर गए, इक्विटोरियल गिनिया, और वहां पे जाकर 4 समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किया। तो प्रेसिडेंट 3 नेशन विजिट, इंडिया एंड इक्विटोरियल गिनिया साइन 4 अग्रीमेंट्स। तो 3 राष्ट्रपति यात्रा, तो भारत और इक्विटोरियल गिनी में हुए
चार समझौते, तो चार समझौते हुए हैं इक्विटोरियल गिनी और भारत के बीच में. तो इंडिया एंड इक्विटोरियल गिनी साइन फोर अग्रीमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशंस एंड आईटी आफ्टर डेलीगेशन लेवल टॉक्स बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड रामनाथ कोविंद एंड इक्विटोरियल गिनिया प्रेसिडेंट टेजोरो ओबियांग नगुमा माबस्को. बहुत बड़ा नाम है इनका, लेकिन आपको क्या याद रखना है, टेजोरो ओबियांग नगुमा जो है वो इक्विटोरियल गिनी के प्रेसिडेंट है और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के मध्य चार समझौतों के ऊपर बात हुई है, फोर अग्रीमेंट्स के ऊपर बात हुई है. और वो फोर अग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड का एग्रीमेंट हुआ, माइनिंग खादान की बात करी जाए तो वहां का अग्रीमेंट हुआ है, देन हेल्थ सेक्टर की बात हुई है और टेलीकम्युनिकेशन और आईटी लेवल की बात की गई है. तो ये चार चीजें आपको जरूर याद रखनी है रामनाथ कोविंद और इक्विटोरियल गिनी के प्रेसिडेंट के मध्य टेडोरो ओबियांग नगुमा के मध्य. द टू कंट्रीज अग्री टू वर्क टुगेदर एट यूएन वेयर इक्विटोरियल गिनी हैज जस्ट बिगन अ टू ईयर टर्म ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल. बोथ कंट्रीज रिव्यूड द इंटायर गैमट ऑफ bilateral ties between the two countries. President Kovin is on the first leg of his three-nation visit to Equatorial Guinea. तो मैंने जैसा बताया तीन देशों के दौरे पे गए हैं और पहला दौरा जो है वो Equatorial Guinea का है, दूसरा दौरा जो होगा वो Swaziland का होगा और तीसरा दौरा जो होगा वो Zambia का होगा. और जब वहां पर agreements करेंगे तो हम current affairs the wake up show के माध्यम से आपको उन agreements के बारे में भी जरूर बताएंगे. तो चार समझौतों के अलावा संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी यहां पर बातचीत हुई है और वहां पर भी समझौते की बात की गई है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर. और आगे चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ. द कैपिटल ऑफ इक्विटोरियल गिनिया, देखिए इक्विटोरियल गिनी या गिनिया की कैपिटल इज मलाबो और करेंसी इज सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक. तो यहां पर इनकी करेंसी क्या है, फ्रैंक है, और कैपिटल क्या है, मलाबो है. तो इन दोनों चीजों को जरूर याद रखिएगा. और कौन से देश गए हैं, इक्विटोरियल गिनिया, चार समझौतों के ऊपर साइन किया है और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये दौरा जो तीन देशों का दौरा करेंगे और पहला दौरा इक्विटोरियल गिनी, दूसरा दौरा स्वाजीलैंड, थर्ड दौरा जाम्बिया. तो आगे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज की तरफ, बैंकिंग तथा वित्त समाचार की तरफ. तो यहां पर फर्स्ट न्यूज जो है, FPI इन्वेस्टमेंट लिमिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाइट, सरकारी प्रतिभूति में बढ़ी FPI निवेश सीमा. देखिए यहां पर कौन सी चीज आपको समझा रहे हैं, तो यहां पर आपको बता रहे हैं FPI. FPI स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो देखिए बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FPI एंड FDI. तो सरकारी प्रतिभूति का मतलब है कि सरकार ने फॉरेनर्स को, विदेशियों को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने इंडिया के अंदर सरकारी सिक्योरिटीज के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर एक लिमिट को बढ़ा दिया है कि जो फॉरेनर्स हैं वो यहां पर इस लिमिट तक जो है अपना निवेश कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDI और FPI, तो वो भी आपको बताएंगे. लेकिन पहले इस खबर को पढ़ लेते हैं कि FPI इन्वेस्टमेंट लिमिट, FPI स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाइक, सरकारी प्रतिभूति में बढ़ी FPI निवेश सीमा. तो यहां पर इन अ मूव दैट कुड टेम्पररली सॉफ्टन बॉन्ड यील्ड्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट हाइक द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट लिमिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, GSEC बोलते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक नाउ टू 5.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 6% इन 2020. तो यहां पर 5% से बढ़ाकर ये जो FPI लिमिट जो है उसको 5% से बढ़ाकर RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सलाह के बाद इसको कितना कर दिया गया, फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2019 के लिए 5.5, और 2020 के लिए इसको कितना बढ़ाया जाएगा, 6%. द हाइक कम्स इन द वेक ऑफ 99.31% ऑफ द अपर FII इन्वेस्टमेंट लिमिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ ₹1,91,300 crore getting utilized. The FPI investment in state development loans has been left unchanged at 2% of outstanding stock of securities. तो आपको यहां से मेन क्या याद रखना है, तो मेन यही याद रखना है कि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो लिमिट है उसे 5% से बढ़ाकर
5.5% कर दिया गया है 2019 के लिए और 2020 के लिए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 6%. और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष निवेशी इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या फर्क है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं हैवियर चीज है, हार्ड चीज है. FPI थोड़ा इजी है किसी विदेश के अंदर निवेश करना. मान लीजिए कोई फॉरेनर है वो इंडिया में निवेश करना चाहता है तो वो FPI के जरिए इंडिया के कंपनीज के अंदर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स खरीदकर, बॉन्ड्स खरीदकर, डिबेंचर्स खरीदकर, उन सिक्योरिटीज में पैसा लगाकर इन्वेस्ट कर सकता है. लेकिन अगर वो FDI के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको इंडिया के अंदर एंटिटी एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. तो ये फर्क है कि यहां पर FPI किसी भारतीय कंपनी के अंदर उनको मालिकाना हक नहीं देती है, सिर्फ शेयर के ऊपर उनका हक होता है. लेकिन FDI के अंदर वो एंटरप्राइज खोलकर विदेश में बैठकर इंडिया के अंदर एंटरप्राइजेस को चलाते हैं और एक मालिकाना हक जो है उसको भी कंटेन करते हैं. और यहां पर FPI जो है, FPI की भी वैल्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं FPI के इस डिसीजन से कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सरप्लस में आएगा और बहुत ही पॉजिटिव में आएगा. तो ये फैसला बहुत ही सराहनीय कदम और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो आने वाले पेपर में जरूर पूछा जा सकता है. अगली खबर की तरफ जरूर पढ़ेंगे, अवार्ड्स और पुरस्कार की तरफ. लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स जो है वो देख लिया जाएगा और यहां पर बहुत अच्छा आप सभी का पार्टिसिपेशन आ रहा है. चलिए बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है बहुत सही जा रहा है. तो अवार्ड्स एंड पुरस्कार की तरफ चलते हैं, पुरस्कार और सम्मान की तरफ बढ़ेंगे. तो देखिए, अनुष्का शर्मा टू गेट दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड. अनुष्का शर्मा को दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के उत्कृष्टता पुरस्कार. देखिए, एक तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है सिनेमा के अंदर उल्लेखनीय काम करने के लिए, वो अलग अवार्ड है. लेकिन एक दादा साहेब फाल्के एक ट्रस्ट बना रखा है और दादा साहेब फाल्के ट्रस्ट के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है और ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर फेमस अभिनेत्री और फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है. लेकिन अंतर है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है वो एक अलग चीज है और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये एक अलग चीज है. ये ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और वो भारत सरकार की तरफ से. तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो दादा साहेब फाल्के ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक इंपॉर्टेंट चेहरा और एक इंपॉर्टेंट नेम. तो आगे बढ़ते हैं, इसी खबर को थोड़ा डिटेल में जानते हैं. बॉलीवुड एक्टर अनुष्का शर्मा विल बी अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड फॉर हर सक्सेसफुल मूवी एज अ प्रोड्यूसर. कुछ मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस करी और एज अ प्रोड्यूसर ये काफी सक्सेसफुल रही हैं, इस वजह से इनको दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया. द अवार्ड विल बी गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट, एक फाउंडेशन जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन, अ मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड. जैसा मैंने बताया कि ये मुंबई के अंदर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन है जो भारत सरकार के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से डिफर है, अंतर है. अवार्डेड ड्यूरिंग नेशनल अवार्ड्स सेरेमनी हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड न्यू दिल्ली के अंदर दिया जाता है जब नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड का वर्णन किया जाता है. लेकिन ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है एक फाउंडेशन के द्वारा दिया गया अनुष्का शर्मा जी को फिल्म के अंदर एक्सेलेंस प्रोड्यूसर के लिए और ये एक्सेलेंस अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, अनुष्का शर्मा. द प्रेस्टीजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट सिनेमेटिक ऑनर. और जो ओरिजिनल दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिनेमेटिक ऑनर है. और यहां पर अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब पिछली खबर में आपको यही याद रखना है कि अनुष्का शर्मा जी को दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है फिल्म प्रोड्यूसर के लिए. तो अपॉइंटमेंट नियुक्ति की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे, देखते हैं कि कौन सी करंट नियुक्ति है जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. ड्यूश बैंक नेम्स क्रिश्चियन स्विंग न्यू सीईओ. ड्यूश बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए क्रिश्चियन स्विंग. तो यहां पर ड्यूश बैंक जो जर्मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है उनके नए सीईओ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं क्रिश्चियन स्विंग. तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में करते हैं. ड्यूश बैंक एजी नेम्ड क्रिश्चियन स्विंग एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक. ही हैज रिप्लेस्ड जॉन क्रैन. स्विंग विल टेक ओवर विद इमीडिएट इफेक्ट
Garth Rishi was promoted to sole head of the securities unit and will become a deputy CEO along with chief administrative officer Carl Von Rohr. तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ आपको याद रखना है स्विंग का नाम जो सीईओ बने हैं ड्यूश बैंक के, और ड्यूश बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक जी के. ड्यूश बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? इसका पहला हमारे इंडिया से रिलेटेड पॉइंट्स जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो ड्यूश बैंक स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया इन 1980. तो ड्यूश बैंक ने भारत के अंदर अपनी पहली शाखा कब खोली थी? 1980 में. और ड्यूश बैंक हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी. तो ड्यूश बैंक कहां का बैंक है? जर्मनी का बैंक. और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फ्रैंकफर्ट में इसका हेडक्वार्टर है. स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं और इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन जो है दिन ब दिन करता जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है मेडल टैली में और ऊपर जाए और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जो है वो जीते, और 2010 का जो अपना प्रदर्शन है उसको जरूर दोहराए. 2010 में इंडिया मेडल टैली में दूसरे नंबर पे रहा था, और अब देखते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे, या मतलब फिलहाल इंडिया थर्ड प्लेस पे है, लेकिन दिन ब दिन अलग अलग गोल्ड मेडल और जब मेडल्स जीतेंगे तो फिर अंत में जो हमारी पोजीशन बनेगी पेपर के अंदर वही पूछा जाएगा. तो देखते हैं खेल समाचार के अंदर. कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इंडिया विन, बैडमिंटन टीम गोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री. तो टीम बैडमिंटन, देखिए आप लोगों को थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि टीम गेम और इंडिविजुअल ये अलग अलग चीजें होती हैं. टीम गेम में पांच लोग जो है भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन पांच जनों में से जो तीन मुकाबले जीत जाए तो भारत जीत जाती है अलग टीम से. तो भारत ने कल मलेशिया को हराया 3-1 से. तो यहां पर यही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि टीम गेम अलग है. अब ये इंडिविजुअल प्लेयर जो है ना, इंडिविजुअल खेलेंगे इंडिया की तरफ से, मतलब अभी इनका सफर थमा नहीं है. टीम गोल्ड मेडल इंडिया ने जीत लिया बैडमिंटन के अंदर, और राष्ट्रमंडल के इतिहास में, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार बैडमिंटन की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है. तो ये एक प्रगति का साइन. तो यहां पे राष्ट्रमंडल खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भारतीय बैडमिंटन टीम ने जीता स्वर्ण. तो ये देखिए, इंडिया क्लिंच देयर फर्स्ट एवर बैडमिंटन मिक्स टीम इवेंट गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री आफ्टर डिफीटिंग डिफेंडिंग चैंपियंस मलेशिया 3-1 इन द फाइनल एट गोल्ड कोस्ट. तो बहुत ही मजबूत टीम मलेशिया को हराया हमने, और 3-1 से यह मिक्स्ड जो मुकाबला हुआ बैडमिंटन का टीम गेम, उसको उसमें गोल्ड मेडल जीता पहली बार. तो इंडियाज प्रीवियस बेस्ट परफॉर्मेंस इन मिक्स टीम इवेंट एट कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज अ सिल्वर मेडल फिनिश इन द 2010 एडिशन. तो 2010 न्यू दिल्ली के एडिशन में इंडिया का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था टीम में, तो वो सिल्वर मेडल था जो उन्होंने 2010 में जीता. साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत का मैच तो बहुत ही फैंटास्टिक मैच रहा, जहां पर किदांबी श्रीकांत ने फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन, फॉर्मर विश्व चैंपियन, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन ली चोंग वई को हराया, और बहुत ही खूबसूरत वो मैच रहा. तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज ये. देन आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया मेंस टीटी टीम विंस गोल्ड. टीटी मींस टेबल टेनिस. तो टेबल टेनिस के अंदर भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता. तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 भारतीय पुरुषों की टेबल टेनिस टीम ने जीता स्वर्ण. तो टेबल टेनिस की टीम, अब इंडिविजुअल बाद में खेलेंगे अलग अलग प्लेयर्स, लेकिन यहां पर टीम स्वर्ण जो है वो टेबल टेनिस में भी आया. तो इंडिया डिफीटेड नाइजीरिया टू क्लिंच गोल्ड इन द मेंस टेबल टेनिस टीम इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2006. और 2006 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि टीम टीटी ने, मतलब टेबल टेनिस टीम ने भी गोल्ड मेडल यहां पर जीता. विद दिस इंडिया ज्वाइंट इंग्लैंड टू बैग सेकेंड मोस्ट टेबल टेनिस गोल्ड मेडल एट CWG. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैव वॉन बोथ मेन्स एंड वुमेन्स टीटी टीम इवेंट्स एट अ सिंगल CWG एडिशन. तो यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि मेन और वुमेन दोनों टीटी टीम ने एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज. जीतू राय एंड मेहुली घोष ब्रेक्स कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड. तो राष्ट्रमंडल खेल 2008 जीतू राय जो निशानेबाज हैं, और मेहुली घोष भी निशानेबाज हैं, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया. और जीतू राय ब्रोक द गेम्स रिकॉर्ड टू क्लेम द गोल्ड मेडल बाय सम डिस्टेंस इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल. जीतू राय ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल जीता एट द ऑनगोइंग 21st कॉमनवेल्थ गेम्स और 21वें राष्ट्रमंडल खेल के दौरान. ओम प्रकाश मिठरवाल बैग ब्रॉन्ज इन द सेम इवेंट. और इसी इवेंट के अंदर ओम प्रकाश मिठरवाल ने कांस्य पदक जीता, और ऑस्ट्रेलिया के कैरी बेल ने सिल्वर मेडल जीता. देन इंडिया 17-year-old शूटर मेहुली घोष सेट अ कॉमनवेल्थ गेम्स ज्वाइंट रिकॉर्ड टू विन सिल्वर इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट. और 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर मेहुली घोष ने सिल्वर मेडल जीता जब उनकी ओपोनेंट, जब उनकी विपक्षी के साथ उनका मुकाबला टाई हो गया,
तो शूट ऑफ में यह फैसला किया गया और शूट ऑफ के बाद मेहुली घोष जो है वो दूसरे नंबर पे आई और सिल्वर मेडल जीता। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है। जैसे क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर बोलते हैं, बॉक्सिंग करने वाले को हम बॉक्सर कहते हैं, उसी तरह से मुझे बताइएगा बैडमिंटन खेलने वाले को हम क्या बोलते हैं और टेबल टेनिस खेलने वाले को हम क्या बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर बोलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉलर बोलते हैं, बॉक्सिंग करने वाले को बॉक्सर बोलते हैं, स्विमिंग करने वाले को स्विमर बोलते हैं, इसी तरह से मुझे बताइएगा बैडमिंटन प्लेयर को हम क्या बोलते हैं और टेबल टेनिस के प्लेयर को हम क्या बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और इसका आंसर आपको जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। और मैं कोशिश आप यही करिएगा कि विदाउट गूगल आप इसका आंसर दीजिएगा और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए। और मैं अगले न्यूज की तरफ आपको लेकर चलता हूं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इंडिया वुमेन्स टीटी टीम विंस गोल्ड, तो वुमेन टीम ने भी यहां पर गोल्ड मेडल जीता टेबल टेनिस के अंदर। तो राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 भारतीय महिला टीटी टीम ने जीता स्वर्ण पदक, जहां पर एक लंबी प्लेयर आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम मनिका बत्रा, जो बहुत ही बढ़िया खेल दिखाती है और इनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन टेबल टेनिस के अंदर भी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। तो बहुत इतिहास रच रही है इंडिया। तो इंडिया हैज बैक 3 मोर गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल एट द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स इन द गोल्ड कोस्ट। तो देखिए इंडिया जो है, इंडिया नाउ स्टैंड्स ऑन द 3rd पोजीशन। इंडिया अभी फिलहाल तीसरे पायदान पे, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया चल रही है। और इंडिया के पास कितने गोल्ड अभी तक हो चुके हैं, मतलब कल रात तक की खबर मेरे पास जो है, 10 गोल्ड, 10 स्वर्ण पदक, 4 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल सो फार। और मनिका बत्रा लेट टेबल टेनिस टीम विक्ट्री वॉज हिस्टोरिक एज सिंगापुर हैड नेवर लॉस्ट सिंस 2002। तो मनिका बत्रा के द्वारा नेतृत्व करने वाली इस टेबल टेनिस की वुमेन टीम ने सिंगापुर को हराकर एक इतिहास रच दिया, क्योंकि सिंगापुर 2002 से लेकर अभी तक बिल्कुल नहीं हारी थी, तो एक इतिहास रचा है। और ऑस्ट्रेलिया अभी टॉप मेडल टैली में चल रहा है विद टोटल ऑफ 106 मेडल्स। और ऑस्ट्रेलिया के कितने मेडल्स हैं टोटल, तो 106 मेडल हैं। तो ये एक बहुत ही टॉप देश है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इंडिया तीसरे नंबर पे है। और इंडिया के टोटल मेडल कितने हो गए, 10, 4 एंड 5, इतने मेडल्स हैं इंडिया के, 10 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो अगली खबर की तरफ जरूर चलेंगे। सेबेस्टियन वेटल विंस बहरीन ग्रैंड प्री। तो देखिए बहरीन एक देश का नाम और वहां पर फॉर्मूला 1 की रेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड प्री बोलते हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्री, देखिए कई स्टूडेंट्स उसको प्रिक्स बोलते हैं, मैं आपको इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं, प्रिक्स नहीं बोलते इसको, प्री बोलते हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्री, तो सेबेस्टियन वेटल ने जीती बहरीन ग्रैंड प्री। तो ग्रैंड प्री को जीतने वाले सेबेस्टियन वेटल, जो बहुत ही शानदार प्लेयर और बहुत ही शानदार ड्राइवर, और ये इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्री को जीता। फॉर्मूला 1 मतलब बहुत ही तेज यहां पर गाड़ियां चलती हैं। तो फेरारी सेबेस्टियन वेटल, पहले रेडबुल से ये बिलोंग करते थे टीम से, लेकिन अब ये किस टीम से खेलते हैं, फेरारी की टीम से खेलते हैं। तो फेरारी जिस टीम से माइकल शुमाकर जैसे दिग्गज खेला करते थे, उस टीम से सेबेस्टियन वेटल खेलते हैं। वॉन इज सेकेंड ग्रैंड प्री इज एज मेनी रेसेस एट द बहरीन ग्रैंड प्री, वाइल मर्सिडीज वॉलेटरी बोटास फिनिश सेकेंड बाय जस्ट 0.699 सेकेंड्स। मीनवाइल विनिंग वर्ल्ड चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन फिनिश थर्ड। और जो अभी चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के, उनका स्थान कितने पे रहा, तीसरे नंबर पे रहा। तो अगली खबर, बहरीन की कैपिटल इज मनामा और करेंसी इज बहरीनी दिनार। तो यहां पर चलिए, बहुत स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं इस शो को, और बहरीन कैपिटल, चलिए एग्जैक्टली डी सीक्रेट सुपरस्टार शटलर इज द राइट आंसर। और शटलर बैडमिंटन प्लेयर को हम क्या बोलते हैं, शटलर। तो बैडमिंटन प्लेयर को शटलर कहा जाता है। और एग्जैक्टली और यहां पर नहीं, स्नूकर नहीं, टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं, स्नूकर कहां से आ गया बीच में। देखिए बैडमिंटन प्लेयर को हम शटलर कहते हैं और टेबल टेनिस खेलने वालों को क्या बोला जाता है, पैडलर कहा जाता है। टेबल टेनिस खेलने वालों को पैडलर कहा जाता है और बैडमिंटन प्लेयर को क्या बोलते हैं, शटलर बोलते हैं। तो बहरीन की कैपिटल इज मनामा, करेंसी इज बहरीनी दिनार। तो अगली खबर की तरफ नहीं बढ़ेंगे हम, क्योंकि अब हम किसके ऊपर आ गए, क्विज की तरफ आ चुके हैं। तो कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज होगा, मतलब जो सेशन अभी हमने चलाया उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने इस सेशन को कितने ध्यान से सुना। और इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे स्टूडेंट्स जो है
कम से कम क्विज में ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके और अपनी नॉलेज को गेन कर सके. तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर मेन्स एयर पिस्टल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018. 10 मीटर मेन एयर पिस्टल के अंदर किसने अभी स्वर्ण पदक जीता है? जीतू राय, कैरी बेल, ओम प्रकाश मिटरवाल या विजय कुमार? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सभी स्टूडेंट्स यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंसर्स आने जो है वो शुरू हो चुके हैं. धीरे धीरे आपको आंसर देना है. 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर रिसेंटली किस पर्सन ने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर? जीतू राय, कैरी बेल, ओम प्रकाश मिटरवाल या विजय कुमार? आंसर आना शुरू हो चुका है. अंजू व्यास, श्याम गुप्ता, श्रेया गुप्ता, डी सीक्रेट सुपरस्टार, कृष्णा दास. बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्टूडेंट्स के नाम बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हैं. नायरा कपूर, मामुनी, यश भगत, अमित कुमार, सुजीत सोनी, पूर्णिमा ओझा, प्रेरणा गुप्ता, कौमिला हीर, मनदीप कौर, प्रिया कुमारी, सुखविंदर इसेवाल. मैं सभी के नाम लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर नाम ना ले पाऊं तो क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी का. लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जीके को सीखना, करंट अफेयर्स को करना, कि जिससे आने वाले एग्जाम्स में हमें फायदा हो. और यहां पर बहुत ही बेहतरीन पार्टिसिपेंट्स आपका, और जीतू राय इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज जीतू राय. जीतू राय बिल्कुल सही उत्तर. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द इंडियन वुमेन्स टेबल टेनिस टीम डिफीटेड विच नेशन टू बैग द गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018. तो भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने किसको हराकर इतिहास रचा और स्वर्ण पदक भी जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में? मतलब भारतीय महिला टीम ने, टेबल टेनिस की टीम ने किस टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता इस कॉमनवेल्थ गेम्स में? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या सिंगापुर? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और बिल्कुल सही उत्तर पहले क्वेश्चन का, राइट आंसर इज ए ऑप्शन. और यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हरजोत कौर, सुभाष कुमार, विजय भौमिक, आरजे दीपक कुमार, सुधा रॉय, आनंद आर्यन, कन्हैया, हरमनदीप, जुगराज संधु, अभिजीत हल्दर, मानसी राजहंस, अनुज वर्मा, श्रेया गुप्ता, दीपाली. बहुत बढ़िया. और देखिए 8 बजे जो शो है हमारा, वोकैब डोज का शो है, तो वोकैबुलरी डोज का शो कितने बजे है? 8 o'clock. तो वो देखना मत भूलिएगा, 8 बजे वोकैब डोज का शो. और अभी चल रहा है करंट अफेयर्स द वेकअप शो, तो इन टाइमिंग्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा. और आपको मेक माई एग्जाम के ऊपर बैनर भी दिख रहा होगा जिसमें आज के सभी शो का मेंशन किया गया होगा. और एग्जैक्टली यहां पर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का. एक आधे स्टूडेंट्स जो है गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, एब्सोल्युटली डी. सिंगापुर जो 2002 से बिल्कुल नहीं हारा था, तो वो उसको हराकर हमने यहां पर बिल्कुल. चलिए तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, सिंगापुर. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम? तो अभी किस स्टेट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्टार्ट किया गया है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जिसमें 5 करोड़ से टारगेट बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया 2020 तक? तो इस न्यू टारगेट के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कहां से स्टार्ट किया गया है आपको जल्दी से बताना है. और वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहां पर एक नए टाइमिंग के ऊपर भी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. तो आपको क्या करना है, इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और इस संख्या को 100 तक पहुंचा देना है, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके. तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. और थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आना शुरू हो चुका है. एग्जैक्टली पलक बांसल, अमित राणा, आनंद आर्यन, सुनीता कुमारी, सुधा रॉय, सुजीत सोनी, अंजू व्यास, जीतू दोरा. बहुत बढ़िया, यश भगत, ऋचा सिंह, सुनीता कुमारी, अमित राणा, सौम्या दास, एमी सैनी, प्रशांता. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेंट. थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली दिल्ली. दिल्ली से स्टार्ट किया धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया? तो अभी रिसेंटली इक्वेटोरियल गिनी या गिनिया हमारे राष्ट्रपति दौरे पे गए हैं, तो इक्विटोरियल गिनिया की कैपिटल बता दीजिए क्या है? डकार, कोनाक्री, मलाबो या बमाको? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि राइट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन क्या है. तो इक्विटोरियल गिनी की कैपिटल बताइए यहां पर. एग्जैक्टली सभी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी स्टूडेंट्स के साथ. और आपको करना क्या है, थोड़ा और शेयर करना है. और नर्वस 90s में मुझे मत आउट करिएगा प्लीज. और आपको करना क्या है, 100 शतक पूरा करवा देना है. और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है. एग्जैक्टली और यहां पर
देखिए 7 बजे मैंने कल ही अनाउंस किया था कि 7 o'clock हमारा शो आ जाएगा, तो अब से हम रोज आपके साथ मिलेंगे 7 o'clock। तो यहां पर बहुत सही आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का, एक दो स्टूडेंट्स जो है आंसर गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं प्लीज इसे देख लीजिएगा, मलाबो इज द राइट आंसर। तो फोर्थ का राइट आंसर इज सी, दैट इज मलाबो। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच बॉलीवुड एक्टर विल बी अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड फॉर सक्सेसफुल मूवीज एज अ प्रोड्यूसर। तो किस बॉलीवुड एक्टर को यहां पर यह अवार्ड दिया गया है? देखिए यहां पर बच्चों के अंदर कंफ्यूजन ये रहती है कि यहां पर एक्टर वर्ड क्यों यूज किया गया। देखिए एक्ट्रेस वर्ड जो है ना वो अंग्रेजी में नहीं है, एक्ट्रेस वर्ड नहीं है, या तो हम मेल एक्टर वर्ड यूज करते हैं या फीमेल एक्टर वर्ड यूज करते हैं। तो नया ट्रेंड यही है कि एक्टर अभिनेता ही वर्ड यूज किया जाता है, अभिनेत्री या अभिनेता नहीं। तो मेल एक्टर और फीमेल एक्टर जरूर यूज किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि उसका जेंडर क्या है। तो यहां पर आपको बताना है कि किस बॉलीवुड एक्टर को यह अवार्ड दिया गया है, दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड फॉर सक्सेसफुल मूवीज एज अ प्रोड्यूसर। प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ। और यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने फेवरेट का भी नाम लिख दीजिएगा कि इन चारों में से आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है राइट आंसर के साथ। तो लड़के जो है वो जरूर इसका आंसर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बिल्कुल सही आना शुरू हो चुका है। और यहां पर चलिए, यहां पर एक अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया विराट कोहली की वाइफ को, धन्य है महाराज आप, आपका नाम यहां पर आरजे जी। तो विराट कोहली की वाइफ को, भाभी जी को, और जो है ये अवार्ड दिया गया है, अनुष्का शर्मा इज द राइट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज अनुष्का शर्मा, तो बिल्कुल सही। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ड्यूश बैंक। ड्यूश बैंक के सीईओ कौन बनाए गए हैं? सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। और एग्जैक्टली बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत बढ़िया जा रहा है यहां पर। और सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आपने देना है कि इसके सीईओ जो है वो कौन बड़े हैं। चलिए, आनंद आर्यन जी, कटरीना कैफ नो डाउट आपकी और मेरी दोनों की फेवरेट है, लेकिन यहां पर अच्छे प्रोड्यूसर के लिए मूवी बनी और कटरीना कैफ ने आज तक कोई मूवी प्रोड्यूस नहीं करी है। जल्दी जब वो मूवी प्रोड्यूस करेंगे तो हम और आप मिलकर उनको ये अवार्ड जरूर दे देंगे। तो यहां पे आपको सिक्स क्वेश्चन का आंसर देना है, और सिक्स क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो बिल्कुल, मतलब आप लोगों ने सेशन को बहुत ध्यान से सुना है, सल्यूट है आपके इस एफर्ट को। और सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर इज क्रिश्चियन स्विंग, क्रिश्चियन स्विंग इज द राइट आंसर, ड्यूश बैंक के सीईओ क्रिश्चियन स्विंग। सेवन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन बैडमिंटन टू विन टीम गोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिया ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले पेपर के लिए, इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के अंदर बैडमिंटन का टीम गोल्ड मेडल जीता, कौन से टीम को हराकर? सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? जल्दी से बताइएगा यहां पर आंसर, सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और छठे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था अनुष्का शर्मा, तो मैं एक बारी छठे का आंसर आपको दोबारा दिखा देता हूं, क्रिश्चियन स्विंग। सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज क्रिश्चियन स्विंग। सेवन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि बैडमिंटन का टीम गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, कौन सी टीम को हराकर? और यहां पर जल्दी से, यहां पर आंसर्स जो है आने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आप सभी का यहां पर, और बिल्कुल सही, मलेशिया इज द राइट आंसर। सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज मलेशिया। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु वॉन बहरीन ग्रैंड प्री 2018। फॉर्मूला वन की रेसिंग, बहरीन ग्रैंड प्री, बहरीन एक देश का नाम जिसकी कैपिटल मनामा, और बहरीन ग्रैंड प्री अभी रिसेंटली किसने जीता है? और ये सभी बेहतरीन ड्राइवर्स हैं फॉर्मूला वन के, जो बहुत ही तेज कार रेसिंग होती है। ए ऑप्शन इज लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन विटल, वेलेट्री बोटास या पी गैसली। आपको राइट आंसर देना है, बिल्कुल मलेशिया बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन अब हम आठवें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और आठवें क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो बिल्कुल आना शुरू हो चुका है यहां पर एग्जैक्टली। चलिए कोई बात नहीं, रंजन यादव जी आप इसको ज्यादा से ज्यादा जो है आप सही करिएगा। और टेक्निकल टीम ने भी आंसर दिया है, सी ऑप्शन उन्होंने उत्तर दिया है, जो बिल्कुल 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 गलत है। तो टेक्निकल टीम जो है वो गलत है, वेलेट्री पोटास, लेकिन आप ना गलत होइएगा। अब आपके लिए तीन ऑप्शन बच चुके हैं और आपका उत्तर बिल्कुल सही है जनाब, आप तो टेक्निकल टीम से भी होशियार हैं यहां पर। और आठवें क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, और एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज सेबेस्टियन विटल। सेबेस्टियन विटल फेरारी टीम के बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर, सेबेस्टियन विटल ने बहरीन ग्रैंड प्री फॉर्मूला वन जो है उसको जीता।
और अब हम स्टैटिक जीके की तरफ चलेंगे. 8 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्विज के स्टैटिक जीके, जहां पर मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, विदाउट ऑप्शन आपको आंसर देना है. तो वेयर इज नेशनल मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क कौन से राज्य में है वो आपको बताना है. एक और क्वेश्चन होगा स्टैटिक जीके का, उसके बाद आज के शो के अंत करेंगे हम एक शुभ संदेश के साथ. तो वेयर इज मानस नेशनल पार्क, आपको बताना है मानस नेशनल पार्क क्या है और कहां पर है. जल्दी से बताइए मानस नेशनल पार्क कहां पर है. बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो चुका है. मानसी राजहंस, अविनाश कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर. यहां पे सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है. और एग्जैक्टली सुरेंद्र मोहन, हीना पलक, मानसी, सुनीता, परिमाला, बहुत बढ़िया नाम. और मानस नेशनल पार्क कहां पर है, असम के अंदर है मानस नेशनल पार्क. और नेम द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम बताना, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताना, ध्यान से सुनिएगा, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताना, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. एग्जैक्टली आरजे तन्मय मलिक, अमित राणा, आरजे पूजा यादव, अंजू ब्यास, रोमन सिंह, ऋचा सिंह, अभिजीत हल्दर, यश भगत, सौम्या दास, रोमन सिंह, यू ऑल आर राइट माई डियर फ्रेंड्स. और यहां पर नेपाल के राष्ट्रपति का नाम आपको बिल्कुल सही बताना है और जल्दी से. और उसके बाद हम शुभ संदेश की तरफ बढ़ेंगे और आज के शो का अंत भी करेंगे. तो जल्दी से आइएगा, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम विद्या देवी भंडारी. एग्जैक्टली यहां पर बी से स्टार्ट होगा ये, विद्या देवी भंडारी टेक्निकल टीम का ये राइट आंसर है. बिल्कुल विद्या देवी भंडारी इज दी राइट आंसर. और एग्जैक्टली केपी ओली इज द पीएम. देखिए खरग प्रसाद शर्मा ओली इज द पीएम ऑफ नेपाल. नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इज केपी ओली, लेकिन नेपाल की प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इज विद्या देवी भंडारी. तो बिल्कुल सही उत्तर यहां पर विद्या देवी भंडारी. तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए. और अब हम कहां पे बढ़ेंगे, तो अब बढ़ेंगे शुभ संदेश की तरफ और इसके बाद आज के शो का अंत होगा. तो देखिए यहां पर बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध, गौतम बुद्ध के द्वारा एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया. वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट्स, हम अपने विचारों के द्वारा शेप किए जाते हैं. वी बिकम व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं. When the mind is pure, अगर आपका मन शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं, joy follows like a shadow that never leaves, और जो खुशियां हैं आपके पीछे ऐसे आती हैं और आपके पीछे परछाई बनकर रहती हैं जो कभी नहीं छोड़ती हैं. मतलब अच्छे विचार ही खुशियों की जननी है. तो इस गौतम बुद्ध के मैसेज को जरूर याद रखिएगा और अच्छे विचार के साथ ही आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो. हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. कल सुबह हमारी मुलाकात जरूर होगी 7 बजे, देखना ना भूलिएगा 7 o'clock करंट अफेयर्स द वेकअप शो. तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय.